और हापुड़ में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया और यहां वन विभाग के कर्मचारियों ने क्रूरता से इस मगरमच्छ को पकड़ा है। वन विभाग के अधिकारियों के सामने क्रूरता से इस मगरमच्छ को पकड़ा, जाल में फंसने के बावजूद रस्सी से मगरमच्छ को चारों तरफ से जकड़ा गया और ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने तालाब में जाल लगाया था और थाना धोलाना के गांव भारपा में कई दिन पहले यह मगरमच्छ देखा गया था। तो कई दिन पहले ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी थी कि तालाब में मगरमच्छ है, इसके बाद जाल बिछाया गया, जाल लगाया गया और इस मगरमच्छ को पकड़ा। पूरे इलाके में जब इस मगरमच्छ को देखा गया था तो लोगों में काफी दहशत थी और इसीलिए वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। तो ग्रामीणों की सूचना पे इस मगरमच्छ को पकड़ा गया। लेकिन ये तस्वीर देखिए जिसमें कैसे जाल में पूरी तरह इसको जकड़ रखा है और ये तस्वीरें जिसमें मगरमच्छ के रेस्क्यू के बाद की हैं। ताहिर इस पे ज़्यादा जानकारी देंगे। ताहिर, कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने इस मगरमच्छ को तालाब में देखा, शिकायत की, अब जब इसे पकड़ा तो ये तरीका पकड़ने का, मतलब क्या ये वन विभाग के ये कर्मचारी नहीं है क्या, इनको ये टेक्निक नहीं थी कि कैसे इसे पकड़ना है, उसके बाद चारों तरफ से रस्सियों का जाल उस पे ऐसे बिछाया हुआ है? जी आपको बता दूं, हापुड़ के थाना धोलाना के पारपा गांव का ये मामला है जहां एक तालाब में मगरमच्छ को देखा गया था। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी थी कि एक जो है तालाब, इसमें तालाब में जो है मगरमच्छ देखा गया है, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और चारों तरफ जाल बिछा दिया। हालांकि आज सुबह बताया जा रहा है कि 3 बजे ये मगरमच्छ जाल में फंस गया और करीब एक दर्जन जो वन विभाग के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, ये मौके पर मौजूद थे। जाल में फंसने के बाद जिस तरीके से पकड़ा गया, कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो वन विभाग को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से किस जानवर को पकड़ना है और एक देखा जाए तो सारी क्रूरता की हद जो है विभाग के वन विभाग के कर्मचारियों ने पार कर दी। जाल में फंसे हुए मगरमच्छ को किस तरीके से बांधा गया, किस तरीके से जकड़ा गया, हालांकि इसकी इसमें मौत भी हो सकती थी। बाकी अगर बात की जाए तो मगरमच्छ को पकड़ने की, तो किस तरीके से मगरमच्छ को पकड़ा जाता है, ये एक एक चीज वन विभाग के अधिकारियों को बताई जाती है, समझाई जाती है। उसके विभाग भी अनट्रेंड तरीके से मगरमच्छ को पकड़ा गया और हालांकि अब अधिकारी इसको कहीं सुरक्षित जगह छोड़ने की बात जरूर कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर जानकारी के लिए। तो इस मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया, इसे पकड़ा, लेकिन इसको जिस तरीके से पकड़ा उसको लेके सवाल उठ रहे हैं।